preparing for civil services and PCS? Yes, sir. Oh, great, great. तो हमारा जो सेशन है उसकी शुरुआत में मैं कुछ पॉइंट्स अपने बताती हूँ और उसके बाद वी विल ट्राई टू हैव मोर एज अ Q&A सेशन. आपके जो डाउट्स हैं वो एक तरीके से एड्रेस होने चाहिए, तैयारी को लेके, अपनी किसी भी दुविधा को लेके, तब मेरे यहाँ पे आने का फायदा है. नहीं तो वो तो हम YouTube से देख लेते हैं, है ना, कहीं से भी देख लेते हैं, तो वो उसका इतना मजा नहीं आएगा. जो आपके पर्सनल सवाल हैं अगर वो एड्रेस हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स एड्रेस हो, तब मेरे यहाँ पे आने का फायदा होगा. तो शुरुआत के लिए हमारा जो सेशन था वो था कैसे बने और क्यों बने अधिकारी. तो क्यों बने अधिकारी, पहले बताएं क्यों बने, किस किस के क्या क्या रीजंस हैं, एनी रीजंस? हाँ हाँ, डोंट शाय अवे. समाज को अच्छा स्टेटस मिलता है समाज में, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बढ़िया. और इसके क्या क्या रीजंस हैं? टू एंड करप्शन, टू डू गुड वर्क, यस. एनीथिंग एल्स? हेल्प द नीडी पीपल. हमने जो डिफिकल्टी फेस करी है वो आगे वाली जनरेशन फेस ना करे. यस, दीज ऑल आर वेरी गुड मोटिवेशंस. बट एट द एंड हमारे लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम जो अधिकारी बनना चाहते हैं या हम जो करियर चूज करना चाहते हैं वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए या समाज के दिखावे के लिए कर रहे हैं. ये बात समझ रहे हैं? क्यों समाज के दिखावे के लिए क्यों नहीं करनी चाहिए करियर की चॉइस? खुशी भी एक पार्ट है, ठीक है, आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द मोस्ट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? सेल्फ सेटिस्फैक्शन. आप तैयारी ही तब अच्छे से कर सकते हैं जब आप खुद करना चाहते हैं, नहीं तो वही दिखावे वाली तैयारी होती है. अच्छा, आप में से किस किस ने पेरेंट्स के आते किताब खोली है? अचानक से पढ़ रहे थे या कुछ देख रहे थे, अचानक से थोड़ी आवाज सुनी, तुरंत तुरंत फोन करके किताब खोली है? हाँ, तो बस बस यही दिखावा है, बस यही नहीं करना. तैयारी करनी है अपने लिए, अपनी सक्सेस के लिए और अपने मन से, क्योंकि सक्सेसफुल किसे होना है? आपको होना है. तो अगर कहीं पर भी हल्का सा भी मन में ये डाउट है कि हम समाज के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रिस्पेक्ट के लिए होना चाहते हैं, अच्छा काम, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं और ये होनी चाहिए, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन इज सक्सेस एंड दैट इन्वॉल्व्स मुझे सक्सेसफुल होना है. मैं अगर ये एग्जाम दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो किसके लिए? अपने लिए, और मुझे इसे क्लियर करना है और इसके अंदर जीत हासिल करनी है और किसी को दिखाना नहीं है ना, किसी को नहीं दिखाना कि हम 9 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 24 में से कितना होता है, 22-23 घंटे तो पढ़ता ही हूँ, ये नहीं दिखाना है. जितना पढ़ना है खुद पढ़ना है और अपने लिए पढ़ना है, क्योंकि जब दिखावा होता है, जब हम उस माइंडसेट में रहते हैं कि हमें पेरेंट्स को बताना है कि हम पढ़ रहे हैं या समाज को दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं हो रही होती उस वक्त में, सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा होता है. और अगर सच में सक्सेसफुल होना है तो हमें क्या करना है? अपने लिए तैयारी करनी है, ठीक है. ये तो हो गया क्यों, क्यों का हमारा एड्रेस हो गया. कैसे के लिए, ऑफ कोर्स ये सारे जो एग्जाम्स हैं उसकी एक लंबी प्रक्रिया है और हर लेवल ये यूपीएससी ने या स्टेट पीसीएस ने क्यों बनाया है, वो किसी ना किसी हमारी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बनाया है. अगर प्रीलिम्स का एग्जाम है तो वो हमारी मेंटल अलर्टनेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझने की, उनसे आंसर को ढूंढने की,
हमारी एक्सपेंसिव और डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग को देखने के लिए बनाया है। तो यानी कि अगर हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है तो हमें ये सब काम करने पड़ेंगे, और मेंस के लिए हमारी राइटिंग प्रैक्टिस, हम कितना जल्दी लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं करते, हमारा आर्टिकुलेशन कैसा है। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके की कहानी होती है, किसी कहानी को पढ़ते तो एक सिरे से पढ़ते चले जाते हैं, और कोई कोई कहानी कैसी होती है समझ नहीं आता कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म। तो अच्छी कहानी कौन सी है? उसी तरह अच्छा आंसर कौन सा है? जो एक सिरे से शुरू हो दूसरे सिरे तक लगातार चलता रहे। तो वही मेंस की प्रैक्टिस है। और इंटरव्यू, इंटरव्यू किस लिए जरूरी है? ताकि हमारे जो एक पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि जो ऑफिसर बनता है, जो भी व्यक्ति बनता है, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? सरकार का। वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे जो भी व्यक्ति आपसे इंटरैक्ट कर रहा है वो आपसे एज अ पर्सन इंटरैक्ट नहीं कर रहा, वो एज अ पर्सन आपसे एज अ सरकार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप मध्य प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो या भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक आत्मशक्ति होनी चाहिए पर्सनैलिटी में, एक एक जिसे जोश कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं, और इंटेग्रिटी कहते हैं। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी से ऊपर का एक लेवल है इंटेग्रिटी, जिसके अंदर आप दिखावे के लिए ऑनेस्ट नहीं होते हो। किस लिए ऑनेस्ट होते हो? ऑनेस्ट होने के लिए ऑनेस्ट होते हो। तो वो वाला इंटेग्रिटी वाला लेवल आपका आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, कैसे बने इसकी ऑफकोर्स एक पूरी प्रोसीजर है। इसमें से आपको जहां जहां डाउट्स हैं, आई विल लाइक टू टेक डाउट्स, प्लीज। हाँ पूछो पूछो। मुझे बताया गया कि जबलपुर के बच्चे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, प्रूव देम रॉन्ग। हाँ qualities required for preparation. Firstly, of course, hard work. You cannot shy away from hard work. आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं कि रोटी भी ना बनानी पड़े और पेट भी भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अगर रोटी खानी है, अभी तो खैर हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है जिसके कारण जो फार्मर है वो हमें अन्न उगा के दे देते हैं, चक्की वाला पीस के दे देते हैं, फिर हम आटा गूंद के रोटी बना लेते हैं। लेकिन प्रिपरेशन में क्या है, सारा काम खुद करना है, इसीलिए थोड़ी लंबी प्रोसीजर ली है। तो पहली क्या क्वालिटी चाहिए हमें? हार्डवर्क। हार्डवर्क से डरना नहीं। दूसरी क्वालिटी जो हमें चाहिए वो चाहिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस, एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना। पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन उस पढ़े हुए को एक दूसरे से कनेक्ट करना, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करना और ज्योग्राफी को इकोनॉमी से कनेक्ट करना और इकोनॉमी को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना, ये जो कनेक्शन है ये बहुत जरूरी है, ये है समझना। तीसरा फैक्टर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड सेल्फ एवैल्यूएशन। ये लंबी प्रोसेस है तो हमें शुरुआत से लेके अंत तक ये कोशिश करनी है कि हम समय समय पर अपने आप को टेस्ट करते रहें। जैसे प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट दें, उसका देखें कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। जब स्कोर से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, जहां हमें कमी लग रही होगी हम उसे इम्प्रूव करेंगे। तो अपने आप को समय समय पर इवैल्यूएट करते रहना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। डिसिप्लिन, अब तैयारी करनी है तो कुछ समय बांधना पड़ेगा, है ना। हो सकता है बहुत सारे लोग नौकरी करते हों या कि कोई परिवार की कोई समस्या हो जिसके कारण वो समय ना दे पाते हों उतना, तो उनको कैसे, उनको और डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसी से हमारा एक और पॉइंट, एक और क्वालिटी आती है जिसे कहते हैं प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ये सबसे पहला पॉइंट है वैसे, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। प्लानिंग कि मेरे को ये वाले साल का एग्ज़ाम देना है,
तो उसके लिए मेरे पास कितना समय है, उसको आपने प्लान किया और उस प्लान करने के बाद आपने एक 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 पोर्शन के लिए अलग अलग टाइम रखा। उसमें आप कहाँ से पढ़ेंगे, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो कहाँ से लेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है तो क्या करेंगे। तो जितने भी ये सारे फॉर्मेट्स हैं उनको आपको टुकड़ों में बांट के प्लानिंग करके फिर तैयारी के लिए आगे बढ़ना है। तो डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी बोथ आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अंत में स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो हमने फर्स्ट रखा ही था लेकिन लास्ट इज स्मार्ट वर्क। सो हार्ड वर्क के साथ साथ ये भी देखना है कि देयर इज 80-20 प्रिंसिपल। हाउ मेनी ऑफ यू नो 80-20 प्रिंसिपल? नोबडी नोस, सम ऑफ यू नो दैट। व्हाट इज दैट? 80% ऑफ स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क एंड 20% ऑफ स्मार्ट वर्क। नो नो नो, इट इज 80% ऑफ योर एफर्ट्स deliver 20% of results and 20% of your efforts deliver 80% of your results. Today, go back, watch it on YouTube. It's a principle which has been popularized by self-help people, but it is true to some extent. एक extent तक वो काम आता है। तो पहले basics cover करते हैं। पहले ये नहीं सोचना कि हम पहले दिन से ही perfection की तरफ चलें, पहले basics cover कर लें। तो वो जो 20% है जिससे 80% questions आते हैं, या वो जो 20% है जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देगा, वो वाला कोर्स, वो वाले टॉपिक्स, वो वाले सब्जेक्ट्स, वो वाली बुक्स, वो वाले प्रैक्टिस टेस्ट, वो पहले करना है। तो पहले वो कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़े। कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन यानी लगातार उस एग्ज़ाम के बारे में सोचते रहना, उसके विषय में एक स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना और उसे इम्प्लीमेंट करना। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आएगा और मोटिवेशन से आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले अपने मन में सोचेंगे कि मैं एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ मैं एग्ज़ाम। अगर मेरा ये क्यों बहुत क्लियर है तो फिर हमें मोटिवेशन के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप अपने शेड्यूलिंग को टाइट करें। शेड्यूलिंग इन द सेंस कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर आपका समय जा रहा है। जैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि आपका समय कहाँ जा रहा है? पता है? कैसे पता है? टाइम टेबल। यस, टाइम टेबल इज वन वे। सेकंड वे इज यू पुट एक्टिविटीज। जैसे आप ये मत लिखिए कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, आप लिखिए मैं टॉपिक कौन सा पढ़ रहा हूँ। अब आपने वो टॉपिक 2 घंटे में ख़त्म किया, 1 घंटे में ख़त्म किया, 4 घंटे में ख़त्म किया, दिस इज़ योर। अगर आप वही 4 घंटे वाला टॉपिक अगर 1 घंटे में ख़त्म कर लें तो आप एफिशिएंट हो गए ना। तो उसी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कंसिस्टेंसी प्लस एफिशिएंसी। सक्सेस रेट जो है अपने यहाँ का यूपीएससी का वो बहुत लो है, सो हाउ वी कैन नो दैट वी आर वर्थ इट ऑफ दैट लेवल, या हम कैसे पता हमें कैसे पता चलेगा कि हम वर्थ इट हैं उस चीज़ के? एंड मैम वन मोर दैट, अगर हम नहीं हैं, मतलब नहीं हुआ, हो सकता है नहीं हुआ, तो मैम व्हाट कुड बी द सेकंड ऑप्शन फॉर अस, और वी शुड कीप अ सेकंड ऑप्शन और वी शुड नॉट कीप अ सेकंड ऑप्शन? नहीं पता चलेगा जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे। जब तक हमने ट्राई नहीं किया हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए तो करके ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक पुरानी कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बारे में कभी सोचा है या अधिकारी बनने के बारे में कभी सोचा है तो हम उसके लायक हैं या नहीं ये करके ही पता चलेगा। तैयारी करेंगे, हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, मतलब आपको आपका बैकअप ऑप्शन आपके लिए एक पिलर स्ट्रेंथ, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ का काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि पीछे से भी मैं सिक्योर हूँ तो आप आगे और तेज़ी से भाग सकते हो। नहीं तो अक्सर बच्चे इस दुविधा में रहते हैं 3-4 साल तैयारी करने के बाद कि अब मैं पता नहीं कैसे, अगर मेरे दोस्त को देखो वहाँ जॉब पे लग गए, वो लोग इतना कमा रहे हैं, वहाँ पे सेट हो गए, मैं तो 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो है कि जिसमें आप ना एकेडमिकली कुछ कर रहे हैं ना प्रोफेशनली कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो जो टेंशन है जो दिमाग में हमारे रहती है, वो जो कन्फ्यूजन है, वो हमें तैयारी करने नहीं देती।
हमारे मन में ये उलझन सी बनी रहती है कि मैं तैयारी छोड़ दूँ क्या, कुछ और कर लूँ क्या, और स्ट्रेस प्रेशर बहुत बढ़ जाता है कि इसको तो अब करना ही पड़ेगा और कुछ मेरे पास है ही नहीं। अगर मैंने यूपीएससी नहीं किया, पीसीएस नहीं किया, तो मैं आगे क्या करूँ, है ना। ऑफकोर्स उसी को लेके मैं एक इनिशिएटिव भी लेकर आ रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ डिग्री कोर्सेज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ताकि बच्चा तैयारी करे और साथ साथ कोचिंग करे। मतलब तैयारी और कोचिंग में कोई अंतर नहीं है, और उसी के अलावा उसको डिग्री कोर्स भी वही है, ताकि वो बीए में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। आपको कभी ये ना कहना पड़े मैं सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये अपने आपके अंदर बड़ा स्ट्रेसफुल स्टेटमेंट है। तो करते रहिए, आपके पास आपका अगर बैकअप ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है। मैम मैंने यूट्यूब्स में देखा है, आपके वीडियोस भी काफ़ी देखे हैं मैंने, तो मॉक इंटरव्यूज़ देखे उसमें, तो आपके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं जिसमें मैंने, तो उसमें जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आंसर्स जो हैं फुली इंग्लिश में करते हैं, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फुली हिंदी में करते हैं। तो मैम वाइल इंटरव्यू हम लोग को एक प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग इफ़ यू आर कम्फर्टेबल इन वॉट एवर लैंग्वेज, तो आप मिक्स लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे अभी आप बात कर रही हैं, हिंदी में बात कर रही हैं और इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, तो क्या हम वो कर सकते हैं? इंटरव्यू के अंदर लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर आपकी एक्सप्रेशन को वो लोग जज कर रहे हैं कि ये व्यक्ति इस भाषा में कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि अब समय के साथ साथ ना हम इंग्लिश में बहुत अच्छे रहे, ना हम हिंदी में बहुत अच्छे रहे, अब हम सब इंग्लिश वाले हो गए हैं, तो हमें हिंदी बोलनी है लेकिन वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं, और ये बात इंटरव्यूअर भी समझते हैं, है ना। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने जिस मीडियम में इंटरव्यू को चूज़ किया है, प्रीडोमिनेंटली हम उसी भाषा में बोलें, अगर हम बोल सकते हैं तो। लेकिन अगर कहीं कहीं पर ऐसे मौके आ जाए जहाँ पर आपको लगता है कि आपको शब्द ही नहीं मिल रहा हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस बात को और किसी तरीके से कह ही नहीं पाऊंगा, और जबकि बात मैं जो कहना चाहता हूँ या चल चाहती हूँ वही सही है, तो कुछ वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स मतलब पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल टिपिकली हमारी एक फॉर्मल भाषा में बात करने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच, आप आए और हम लोग को इतना इंटरेक्ट किया। तो मेरा ही क्वेश्चन है मैम कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें, कई बार हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। डीमोटिवेशन बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है, चाहे कोई कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कितने बड़े लीडर हो, सबके पास वो फेजेस आते हैं। तो अगर आप बीच बीच में डीमोटिवेट हो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये वाली बात है कि आपको अगर बीच में एक जिसे कहना चाहिए स्लोप आ रही है तो ऊपर भी उठना है, वहाँ पे अटके नहीं रहना। तो सेल्फ मोटिवेशन हो, किसी और से मोटिवेशन हो, आपके मेंटर से हो, पेरेंट्स से हो, फ्रेंड्स से हो, लेकिन ऊपर आना जरूरी है। तो अगर फेजेस आ रहे हैं थोड़े से डीमोटिवेशन की, बिल्कुल परेशान ना हो, ये नॉर्मल है, और आपको बस ये समझना है कि ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है। तो अगर किसी दिन लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, देखो मैं तो पता नहीं सबसे पीछे हूँ, वो दूसरे लोग होते होंगे जो सेलेक्ट हो जाते होंगे या जो बन जाते होंगे, तो कभी ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से सब किताब हटाओ, थोड़ी देर बैठो, रिलैक्स करो, कुछ अच्छा देखो टीवी पे, और अपने कुछ पास्ट अचीवमेंट्स को याद करो, कह रहे देखो उस क्लास में तो मैं ऐसा फर्स्ट आ गया था, है ना, और मैंने तो इतनी तैयारी भी नहीं करी थी फिर भी आ गया था, या जो भी आपके पास्ट अचीवमेंट्स रहे हों उन्हें याद करो। और जो लोग आपके कोर पिलर्स हैं, जैसे जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे बात करके आपको हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की एक दिशा मिलती है, उनसे आप बात करें। और अक्सर ऐसा करने से लगभग घंटे दो घंटे बाद आप फिर से ट्रैक पे आ जाते हैं, जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, तो कभी लेफ्ट कभी राइट करना पड़ता है, ऐसा सीधा सीधा तो नहीं चलती गाड़ी, तो जब कभी ऐसा लगे तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लेना चाहिए। मैम एक और लास्ट क्वेश्चन था मैम, यदि हम बैकअप प्लान रखते हैं तो कई बार हम बैकअप प्लान के चक्कर में अपना जो फर्स्ट गोल रहता है उसको प्रायोरिटी नहीं दे पाते, 100% नहीं दे पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सेटिस्फाई हो जाते कि हमारे पास एक बैकअप प्लान तो है, इसको कैसे? जो बैकअप प्लान रखना है
वो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं रखना, वो रखना है हिम्मत के लिए। अगर बैकअप प्लान आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि आपकी एस्पिरेशन यूपीएससी के लिए स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, या पीसीएस के लिए स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, वो तो एस्पिरेशन है ना, वो तो वहां तो आपको जाना है। बैकअप प्लान सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत के लिए, हिम्मत। जैसे कि देखो, अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें तो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है ना, अगर 10 सीट हैं तो 10 का सिलेक्शन होगा, 90 बच्चे तो नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे ना, ये सत्य है। अब हमारी हर संभव कोशिश है कि हम उस 10 में आए, हर संभव कोशिश है, लेकिन खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी साल कुछ परेशानी आई, हमारी तैयारी उतनी एडिक्वेट नहीं रही, या हमसे बहुत तेज बच्चों ने एग्जाम दिया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम उस 90 में आए तो हम ऐसा ना हो कि कहीं पर भी नहीं है ना, उस वक्त पे हमें ऐसा लॉस्ट फील ना हो, उस वक्त ऐसा ना लगे कि तैयारी करके गलती कर दी। क्योंकि ये सारी जो भी हमारी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी है, ये बड़ी सुनहरी जर्नी है। सुनहरी इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ता है, आप ग्रो करते हैं, आपका दिमाग खुलता है, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई और कुछ भी और सब्जेक्ट कर रहा है, बीएमए कुछ भी कर रहे हैं, बीकॉम, तो वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चार पांच, आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब एकदम डिफरेंट है, तो आपका दिमाग बहुत खुलेगा। तो इस तैयारी को कभी भी आपको रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने तैयारी ही क्यों करी, तो वो उस रिग्रेट से बचने के लिए अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पिलर देने के लिए ही सिर्फ एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान भी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे बैकअप ज़्यादा अच्छा है तो उतना ही जो आपकी एस्पिरेशंस को सिर्फ स्ट्रेंथ दे। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू में क्या गलतियाँ नहीं करनी, करना चाहते हो क्या? अच्छा, क्या क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में? पहली बात तो इंटरव्यू के बारे में सोचना ही मेंस के बाद चाहिए, मतलब इतना डिग्री वैसे तो तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते रहना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू के विषय में बहुत ज़्यादा सोचने का फायदा तब है जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लो, है ना, वो वाला कैंडिडेट नहीं बनना जो आते ही पहले मैप खरीद लेता है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। प्रीलिम्स का पता नहीं, मेंस का पता नहीं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी ज़बरदस्त है, तो वो वाला काम हमें नहीं करना। तो दूसरी चीज़, इंटरव्यू में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, गलतियों से ज़्यादा क्या क्या सही करना चाहिए वो उस पर हमें ध्यान दे, मैं आपको बताना चाहूँगी। हमें बहुत सही हुई पर्सनालिटी के रूप में सामने आना चाहिए, हमें अपनी बातों को सिंपल तरीके से और आर्टिकुलेट तरीके से रखना चाहिए, जिसके अंदर कौन सी बात पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, अगर कोई एग्जाम्पल हम दे सकें, एनेक्डोट दे सकें, वो हमेशा बेहतर रहता है। और इंटरव्यू में हमारी अवेयरनेस चेक होती है, हम कितने अवेयर हैं अपने आसपास में हो रही चीज़ें, करंट अफेयर्स, समाज, अर्थशास्त्र, इन सबसे कितने ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या हम सिर्फ किताबी कीड़े तो नहीं हैं, है ना, हमारे अंदर क्या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, उस चीज़ को जज करने के लिए ही हमारा इंटरव्यू होता है। और वही सारी जो अच्छी चीज़ें अगर आप करेंगे तो गलतियाँ वैसे ही कम हो जाएंगी। How to set daily goals? Daily goals तो आपके overall plan के part है ना? रोज का goal आप अलग daily के हिसाब से set नहीं करते, daily के goals आप set करते हैं, पहले एक overall तैयारी का map बनाते हैं, फिर उस तैयारी में उस साल का या उस महीने का map बनाते हैं, और उस महीने में फिर आपका एक हफ्ते का map बनेगा, और हफ्ते में आपका दिन का map बनेगा। तो अगर आप सिर्फ दिन पर दिन चलते जाएंगे तो हमारी तैयारी का एक सीधा सा रोड मैप नहीं होगा, क्योंकि वो ओवरऑल तैयारी से मैच नहीं हो रहा ना। जैसे आज मन किया पॉलिटी पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन अगर पॉलिटी तो बहुत बोरिंग लग रही है, चलो इकॉनमी पढ़, तो कभी भी कुछ ख़त्म सा होता नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आज तो पॉलिटी पढ़ ली, पॉलिटी के भी दो चैप्टर पढ़ लिए, फिर लगा इकॉनमी के भी दो चैप्टर पढ़े हुए हैं, वो भी हिस्ट्री भी सुनी सुनी सी लग रही है ना, और एनवायरनमेंट भी एक डॉक्यूमेंट्री देख ली थी, एक किताब पढ़ ली थी, नोट्स पढ़ लिए थे, तो सब सुना सुना सा लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम करने बैठेंगे तो आएगा कुछ नहीं। तो
तो इसलिए वो जो भी आपका रोड मैप आप बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, उसी के हिसाब से अपने दिन के गोल्स सेट करें। मेंस के उत्तर लिखने में जो हमें आंकड़े अलग अलग याद रखने पड़ते इतने सारे रिपोर्ट्स के, मैम वो कैसे आसानी से याद कर सकते हैं अच्छा उत्तर लिखने के लिए? आंकड़े एक्चुअली में आंकड़े एक तरीके से हमें कुछ बता रहे हैं। अगर आज हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है 33% होना चाहिए, तो कुछ सिग्निफिकेंस होगा इस बात का, इस आंकड़े का। क्यों होना चाहिए? कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए, कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये रेट ज़रूरी है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये पॉवर्टी शब्द बड़ा ऐसा बड़ा जिसे कहना चाहिए ना, जिससे उससे उसकी ग्रेविटी पता नहीं चलती है ना। पॉवर्टी ऐसा लगता है कोई बड़ा एलिट सा शब्द हो रहा है, लेकिन नहीं। पॉवर्टी मतलब इतने प्रतिशत भारत की जनता उस इनकम लाइन से कम है जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हम इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट पढ़ रहे हैं, तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में हमें इस बात का भान होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि इतने प्रतिशत बच्चे मर जाते हैं क्योंकि उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, उतने हॉस्पिटल्स नहीं मिलते, उस तरीके की दवाइयाँ नहीं मिलती। तो जब आप उस बात को एक बार महसूस करके देखेंगे ना कि ये बच्चे, भारत के बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो इस दुविधा, इस परेशानी से जूझ रहे हैं या माताएं जूझ रही, तो उसको बस एक बार महसूस करना है, फिर वो आंकड़ा आ नहीं रहेगा और कभी भूलेंगे भी नहीं, फिर नहीं भूलेंगे आप, फिर कभी किसी को याद नहीं रखना पड़ेगा कि पॉवर्टी रेट क्या है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। जब तक वो आंकड़ा है तब तक याद रखना है, जब महसूस कर लिया तो फिर याद ही रहेगा, हमेशा हमेशा याद रहेगा और नजर भी रहेगी कम हुआ कि नहीं हुआ, या कम हुआ कि नहीं हुआ। हर रिपोर्ट में इस बात को ध्यान से देखेंगे कि मेरे देश के बच्चे अब बच रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ गया है ना, IMR बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया, MMR मतलब MMR कम हो गया है कि नहीं हो गया, IMR कम हो गया है कि नहीं हो गया है, तो वो नज़र भी रहेगी। तो इसको आंकड़ा मत समझिए। मैम, इन द इनिशियल प्रोसेस वी हैव मेनी कन्फ्यूजन्स, वेन वी आर अ बिगनर वी डोंट नो वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क वॉट स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स मस्ट बी फॉलोड एट द इनिशियल स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन। अगर आपकी हिम्मत पक्की है तो रास्ता बनता जाएगा। तो स्ट्रैटेजी ऑफकोर्स आपकी अपनी पर्सनल होगी, एक जनरल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती किसी भी तैयारी की, खास करके इतने बड़े एग्जाम की तैयारी जब हम कर रहे हैं तो एक जनरल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, आपकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी ही आपको बनानी पड़ेगी कि मुझे इस तरीके से पढ़ना पसंद है। जैसे बहुत सारे बच्चे एक बार पढ़ते हैं याद हो जाता है, और किसी किसी व्यक्ति को 3-4-5-6 बार रिविजन करनी पड़ती है। हो सकता है जो एक बार पढ़ रहा है वो स्लो पढ़ रहा हो सकता है, जो 3-4 रिविजन कर रहा है वो तेज पढ़ रहा हो, कुछ भी, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है और अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो शुरुआती कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इट इज़ बेस्ट दैट यू गेट एसोसिएटेड विद सम मेंटर। मेंटर मतलब जो व्यक्ति आपको, कोई भी हो सकता है ना, मेंटर कोई भी हो सकता है, आपको आपके पेरेंट्स सही गाइड करें, कुछ सेलेक्टेड लोग, कुछ फ्रेंड्स, तो अलग अलग लोग कोई भी आपका मेंटर बन सकता है जो आपको ये सही दिशा दिखा दें, आपके टीचर्स कि भी इस रास्ते में मत जाओ, यहाँ पे थोड़ी परेशानी है, यहाँ से कर लो, या आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से तैयारी कर लो। तो वो जो मेंटर है वो आपकी उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब गलतियाँ हम करके ही सीखें, है ना, दूसरों की गलतियों से, दूसरों के लेसन से भी हम सीख सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। आई एम अलेकिया एंड आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। So it's very pleasure to see you. You are from Andhra Pradesh. Yes, ma'am. Oh, lovely. Very pleasure to see you and sir. So ma'am, my question is, currently I'm working in a software company in MNC. So past couple of months, I'm feeling like this was not my calling. So I wanted to do something more. So I started preparing for this exam, UPSC exam. So ma'am, like everyone was saying that don't sail on two boats, like others are capable to give 10 to 12 hours per day, while I am only capable to give only 2 to 3 hours per day. So don't ruin your career at this time. So it feels like a battle of uncertainty for me, ma'am. So you are working in a software company where you can only devote 2 to 3 hours a day.
This means you are always feeling that there are people who are putting everything, sitting at home or in, you know, Rajendranagar or at the centers where the preparation is going on, and they are devoting completely for the preparation. So is your preparation or their preparation any different? Will you be able to clear this exam? This is your doubt? Don't have doubt. There are people who have cleared this exam while working. And I'm not just telling you of one example. Many, many examples who are working and yet they are clearing this exam. Definitely, if you are working and you, of course, you cannot devote too much of time, then you need to increase efficiency and focus. Then you have to do, of course, hard work, but more of smart work. You have to see what you want to study. So you can't study everything under the sun. Then you have to do selective study. But that selection has to be very smart. Right now, I feel the main problem is overcrowding of information. Itne notes, itne kitabe, too much of information. And for a candidate, this is like increasing the confusion and decreasing their chances of getting selected. So it's important that you select what you need. And don't worry. Even their selection is uncertain, as is yours. If a person is studying out of, you know, any number of hours out of 24 hours, so their selection is as uncertain as is yours. So don't, you know, compete with anybody. Don't think about in that manner. You are a working professional, so you have much more maturity and you have that zeal. So if you are working and studying, you have that maturity. Maybe the person who is sitting, he is thinking about shayad main naukri kar leta. So wo confusion is on the both sides. Grass is greener on the both sides. So person who is doing job and preparing is always thinking, I should have quit and, you know, studied. The person who has quit and studying is always thinking, you know, I left my job, my backup plan is not ready, what will I do after, you know, if my exam doesn't get cleared. So it's on the both side, but you have to choose your pain. Pain is on the both side and gain is on the both sides. मैम, मैं तैयारी ही कर रही थी, बट आफ्टर मैरिज और फिर फैमिली इशू, और मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है कि अभी मैं एक, मतलब जो मुझे चाहिए है, मेरे मनपसंद का कोई पद, मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ. लेकिन आफ्टर मैरिज और फैमिली इशू के कारण, और जॉब भी मैम, अब गवर्नमेंट जॉब इतनी ईजी नहीं है, डेली चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं. तो मैंने तो कुछ ही दिन पहले स्टडी ही छोड़ दी थी कि अब मुझे नहीं करना है, इतने सारे इशू हैं और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं. तो मैम, फैमिली इशू, जॉब इशू के साथ हम कंटिन्यू स्टडी को कैसे अपनी रखें? खुद के लिए अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी. अगर काम आप कोई ऐसा ले सकते हैं जो कि आपकी तैयारी से अलाइन करता हो तो बेहतर है, है ना. आप अपने परिवार के अंदर इस तरीके का एक सामंजस्य बिठा सकते हैं जिसमें आपके बच्चे के ख्याल, आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज, वो आपके साथ रहकर रख सके और आप अपने लिए समय निकाल सके. तो कुछ ना कुछ आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना. समस्याएं तो देखिए सब बच्चों के साथ है, किसी के साथ थोड़ी ज्यादा, किसी के साथ थोड़ी कम, और किसी को पता नहीं है, है ना. तो समस्याएं सबके साथ है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जीवन में समस्याएं ना हो. लेकिन हाँ, शादी के बाद और खास करके बच्चा होने के बाद पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. लेकिन अगर आपके मन में सच में उस पद के लिए या उस एग्जाम के लिए, उस नौकरी के लिए अगर सच में इच्छा है तो आप रास्ता बना लेंगे. अगर हमारे मन में कुछ हो तो हम रास्ता बना ही लेते हैं, है ना. ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि किसी के मन में हो और वो ना करे. तो आपका मन है तो आप करिए. सो क्वेश्चन इज कि मैं डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाती. तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बहुत अच्छा आंसर लिखना है, है ना, मुझे अभी तो लिखना नहीं आता. ये सबसे बड़ी परेशानी है. इसीलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 100 आंसर्स बिना सोचे समझे लिखने हैं, उन्हें जज नहीं करना, है ना. किसी को मत दिखाइए आपके पहले 100 आंसर्स,
है ना, अगर टीचर है तो उनको दिखा सकते हैं आपका मन है तो, वरना कोशिश कीजिए पहले 100 आंसर्स बिना सोचे समझे बस लिख दीजिए। ये मत सोचिए बहुत अच्छा लिखना है, ये सोचिए बस लिखना है, जैसा भी लिखा जाए मुझे ये 150 मतलब वर्ड्स या फिर 2 पन्ने भरने हैं, तो शुरुआत वहाँ से होगी। एक बार वो हिचक निकल गई, एक बार वो थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो गया, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट आंसर। उसके बाद हमारे लिए स्कोप बनता है दैट वी नो स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स वी टेक टू इम्प्रूव आवर आंसर्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कंटिन्यू करते करते तैयारी करते हैं तो अक्सर दो चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए आपकी पर्सनल समस्या के लिए तो इसमें ऐसा ही किया जा सकता है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एकेडमिक्स भी कंटिन्यू रखनी है और तैयारी भी करनी है तो थोड़ा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा क्योंकि एक चैलेंज है, दो चीज़ें आप एक साथ परस्यू कर रहे हैं। लेकिन इस एक जनरल समस्या के लिए मैंने खुद एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है तथास्तु, तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। वहाँ पे हम लोगों ने यूपीएससी के सिलेबस को ही टेलर करके डिग्री प्रोग्राम में ले आए हैं, यानी बीए के जो 6 सेमेस्टर हैं वो एक्चुअली में यूपीएससी का ही सिलेबस है, एमए के जो 4 सेमेस्टर हैं वो यूपीएससी का ही सिलेबस है, पीएचडी का भी जो सिलेबस है वो यूपीएससी का ही सिलेबस है। तो इससे बच्चा अपनी एकेडमिक तैयारी कर रहा है और उसे डिग्री भी मिल रही है और साथ में वही उसकी कोचिंग भी है। तो ये एक इनिशिएटिव इसी प्रॉब्लम के लिए हम मतलब मुझे लगा कि आना चाहिए और इसको मैं लेकर आई, क्योंकि बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है दो दो डिग्रियों को दो दो चीज़ों को संभालते हुए, या फिर बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई बीए या एमए करने के बाद आगे सिर्फ 2-3-4 साल तक यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी करते रहते हैं, तो बाद में जब कोई उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे थे 4 साल, तो वो कहते हैं यूपीएससी की तैयारी, और उसके हाथ में कुछ नहीं है, आपने इतना सीखा लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है दिखाने के लिए, कोई डिग्री नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग ये वाला एक सॉल्यूशन लाए हैं, लेकिन अभी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए तो थोड़ा सा आपको दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। मैम आप मेडिकल फील्ड से हैं, मैम यहाँ पे 3 गर्ल्स, मैम हम लोग भी मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप मेडिकल फील्ड से एक आईएएस बने, मैम वो आपकी जर्नी कैसी थी और आपने अपना ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट किया, और कुछ जो गलतियाँ अगर हम लोग कर सकते हैं तो उसके लिए आपसे गाइडेंस चाहिए था। मेरी जर्नी स्टार्टेड विद इंटर्नशिप, सो इन इंटर्नशिप आई गॉट टू नो रिगार्डिंग दिस एग्जाम एंड वहीं से मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट करी। मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन थी नहीं इस एग्ज़ाम के बारे में, इसीलिए मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी। जैसे मैंने जब तैयारी शुरू करी तो मुझे पता नहीं था कि पहले मेंस की तैयारी ऑप्शनल की तैयारी करने के साथ साथ फिर आप बाद में प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं। मैं सीधा आई और 2.5 महीने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया, लेकिन फिर मेंस के अंदर मुझे बहुत परेशानी आई, ना मैंने वो उस तरह से जीएस पढ़ रखा था ना ही मैंने ऑप्शनल तैयार कर रखे थे, तो बड़ा हाफ हजार मेरी तैयारी हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उस समय 2 ऑप्शनल होते थे मुझे, तो मुझे याद है कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत लिटरेचर जैसे ऑप्शनल्स लिए, क्योंकि बाकी जिन टीचर्स के पास मैं ऑप्शनल के लिए कोचिंग के लिए गई तो उन्होंने कह दिया कि 3 महीने में कोई कोचिंग नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं पढ़ाया जाता, आप अपने आप से देखो जो करना है। तो इन्हीं के 2 के नोट्स मिले मुझे फ्रेंड्स के द्वारा और मैंने ये दोनों ऑप्शंस दे दिए। तो वो गलती नहीं करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपना अटेम्प्ट को आप बहुत अच्छे से पूरी तैयारी के साथ दें। और दूसरी चीज़, ऑप्शनल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इंटरेस्ट प्लस आपकी कॉम्पिटेंस। आपको लगता है कि मैं इस ऑप्शनल के आंसर्स अच्छे लिख सकती हूँ, मुझे ये ऑप्शनल समझ आता है, और अगर मुझे 2-3-4 अटेम्प्ट भी देने पड़े क्या मैं इस ऑप्शनल को कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर देख के आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए। एंड डॉक्टर्स के लिए सिविल सर्विसेज देना अपने आप में एक अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि आई बीइंग अ मेडिको आई नो कि हम जब मेडिकल लाइन में होते हैं तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग होती है, सिवाय मेडिकल के या बायो की चीज़ों के हमें बहुत ज़्यादा देश दुनिया के बारे में पता नहीं होता।
तो अब आप जब सिविल सर्विसेज देंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमी, जिनसे अभी तक हम लोगों का बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता है जब तक हम मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं या MBBS, BDS, जो भी अलग अलग ऑप्शंस हैं वो कर रहे होते हैं मेडिकल के पर्सन. तो आई थिंक यू आंसर क्वेश्चन इज एड्रेस्ड. मैम एज यू सेड दैट कनेक्टिविटी बिटवीन द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैम व्हाट हैपेंस विद मी व्हेन आई स्टार्ट एनी सब्जेक्ट बट आई एंडेड अप गेटिंग स्टक इन दैट सब्जेक्ट ओनली, पर्टिकुलरली गेटिंग स्टक इन दैट सब्जेक्ट व्हेन आई स्टार्ट एनी सब्जेक्ट. सो मैम हाउ कैन वी डेवलप दैट कनेक्टिविटी बिटवीन द सब्जेक्ट्स. जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात पे भी साथ साथ ध्यान देना है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता होगा, क्या इकोनॉमिकल किसी सब्जेक्ट का टॉपिक का आपकी पॉलिटी पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता. अगर देश के अंदर इकोनॉमी खराब हो जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना. लोगों के अंदर इकोनॉमिकल अगर उनमें सपोर्ट नहीं है, उनको परेशानी आ रही है तो कहाँ कहाँ आवाज़ उठाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू तो वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. तो क्या सोसाइटी इम्पैक्ट होगी? बिल्कुल होगी, सोसाइटी पूरी ओवरऑल इम्पैक्ट होगी. तो इस तरीके से आपको हर चीज़ को इंटर रिलेटेड करके सोचना है कि इसका इस पर क्या असर पड़ेगा, इसका इस पर क्या असर पड़ेगा. तो इसीलिए पढ़ना और उसके बाद थोड़े उसको डाइजेस्ट होने देना, उसको समझना कि इसका बाकी चीज़ों पे क्या क्या असर पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है. तो सिर्फ ये नहीं कि बस किताब उठाई, पढ़ा, ये भी पढ़ लिया, काम ख़त्म, सोचा कुछ नहीं. सोचना भी बहुत ज़रूरी है. मैम वन मोर क्वेश्चन, व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर ईदर हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, द मेन प्रॉब्लम आई फेस व्हेन आई रीड वन आर्टिकल एंड आई डिडंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, आई एंडेड अप वेस्टिंग टाइम इन दैट आर्टिकल, आई रीड इट अगेन एंड अगेन. मैम इज इट वर्थ, और आई समटाइम्स इट हैपेंस दैट आई फील दैट आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट बट वॉट हैपेंस इज दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ इट. व्हाई सो? I don't know, ma'am, what was the issue. Either the language or some articles are written in such a manner that I couldn't understand. It's okay, but again, it depends on the article itself. Sometime you might face some problem reading some articles, but so again, you have to skip it or not depends on the content of that article. अगर important है तो नहीं skip करना चाहिए, थोड़ा सा effort लेना चाहिए. क्योंकि हो सकता है लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हो, लेकिन वो आपको डिफ़िकल्ट लैंग्वेज पढ़ने की भी तो आदत होनी चाहिए ना. तो उस हिसाब में ठीक है कि आप उसको थोड़ा एफर्ट दे सकते हैं, लेकिन कहीं पे स्टक नहीं हो जाना चाहिए. अगर ऐसा है कि वो बिल्कुल आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है और बहुत बार हो गया, तो किसी की मदद ले लीजिए, है ना. आस्क समबडी, आस्क सम टीचर भी कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल, मैं इसको कैसे रीड करूँ, टेक सम हेल्प. मैम देयर आर मल्टीपल सोर्सेज इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वी एज यू टोल्ड डैट वी हैव टू फोकस ऑन सिंगल पाथ एंड वी हैव टू टोटली डेडिकेट आवर सेल्फ इन दैट सब्जेक्ट्स दैट पाथ. बट वॉट हैपन दैट वी सी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड मेनी टाइम्स वी गेट डाइवर्टेड दैट इफ आई स्टडी ऑन दिस मटेरियल देन आई विल नॉट एबल टू लाइक मल्टीपल दैट थिंग will may come, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाती है और कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है. तो फिर उससे हम अपना फोकस को मतलब डाइवर्ट हो जाता है, फोकस रहता ही नहीं है. उसको कैसे कोप करें? फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ नोट्स एंड इन्फॉर्मेशन कि हमारे ये नोट्स रह गए, वो वाले करंट अफेयर्स पढ़े नहीं, वो वाली टेस्ट सीरीज दी नहीं, तो कैसे होगा. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट योर सोर्सेस. आप 10,000 नोट्स नहीं पढ़ सकते, 10,000 अवेलेबल है लेकिन, है ना. तो आपको तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन कौन से पढ़ना चाहती हूँ. तो इसीलिए मैं बताया ना 80-20 प्रिंसिपल, पहले 20% जो बेसिक्स हैं उससे सॉलिड करो, पहले उसे कंप्लीट करो. तो पहले आपने जो चूज़ करे हैं, जो भी करंट अफेयर्स, जो भी नोट्स आपने चूज़ करे हैं, क्या आपकी उस पर कमांड आ गई? अगर कमांड आ गई फिर अगला, उस पर आ गई फिर अगला. तो कर सोर्सेज इंक्रीज करने में प्रॉब्लम नहीं है, सोर्सेज जंप करने में प्रॉब्लम है कि आपने
1857 इस किताब से पढ़ लिया, फिर 1905 से वहाँ दूसरी किताब स्टार्ट कर ली, फिर फ्रीडम स्ट्रगल गांधी पीरियड के लिए कोई तीसरी किताब उठा ली। अब आपके पास कोई कॉन्क्रीट नोट्स नहीं है, कोई एक किताब आपने पूरी पढ़ी नहीं है जो आप कह रहे हो कि हाँ ये मेरा बेस है, तो रिविजन हो नहीं पाएगी और हर वक्त ऐसा लगता रहेगा कि हिस्ट्री कभी कम्प्लीट हुई नहीं, है ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए आपने जो किताब पहले उठाई है उसे ख़त्म कर दीजिए, उस पर कमांड ले लीजिए कि हाँ ये मेरा एक स्ट्रांग होल्ड है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। फिर दूसरे सोर्स पे जाइए, फिर तीसरे सोर्स पे जाइए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे ले लीजिए। तो इसीलिए इट्स लाइक कि नोट्स बहुत सारे हैं लेकिन आपको क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप ऑफिसर बन जाएंगे तो समस्याएं बहुत सारी हैं लेकिन आपको किस पे काम करना है तो चूज़ करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से आपकी तैयारी है कि आपको कौन सी तैयारी कैसे अपनी मास्टर करनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज टाइम भी बहुत कम रहता है और हमको वो अचीव करना रहता है तो उसकी वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं कि ये भी कर लो। इसे डाइवर्जन को जितना कम रखें, डिस्ट्रैक्शन को हम जितना कम रखें हमारे लिए बेहतर है। मैम जैसे आप वहाँ इस मंच पर इतने कॉन्फिडेंटली खड़े होकर बोल पा रही हैं, मैम जो ये बोलने का डर है ये आपने कैसे ग्रो किया, या आप में ये हुनर जन्म से ही था या तो मैम ये हम लोग खुद में कैसे ग्रो करें? बोल तो मैं लेती थी पहले, मेरा बेटा है ना, मेरे बेटे को अभी मेरा यहाँ पर हम लाए नहीं है, मेरे बेटे को भी आप यहाँ पर खड़ा करोगे ना बोल तो वो भी नहीं तो उस रिस्पेक्ट में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम हुई अपनी भाषा को, अपने आर्टिकुलेशन, इन सब चीज़ों पे का, वो मैं आज भी करती हूँ। आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आर्टिकुलेशन, अपनी लैंग्वेज, इन सब पे और बेहतर कमांड हासिल करूँ। तो वही आप, अगर आपको भी डर लगता है ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, जिस चीज़ का डर लगे वो ज़्यादा करने लगो। क्योंकि मैंने बताया ना जैसे पुरानी कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो वही कहावत है अगर आपको बोलना है, उस पर कमांड हासिल करनी है तो बोलना ही पड़ेगा। तो जितना बोलोगे, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीसरी बार हो सकता है कि मैं क्यों स्टेज पे जाके बोल रही हूँ, ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन जब आप करते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो झिझक हट जाएगी। जैसे बहुत सारा सिलेबस है और हम टाइमिंग बहुत कम है, हमने कुछ ही पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ पाया है, तो मैम ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है कि ये होगा कि नहीं, तो मैम वो कैसे लेकर आए? पूरा पढ़ जितना ज्यादा आपका अगर समय कम है तो कोर कंटेंट पे फोकस करना है, और अगर समय ज्यादा है तो ऑफकोर्स सारा कवर करना है। लेकिन देखिए तैयारी तो पूरी करनी ही पड़ेगी, है ना। जैसे हम अधकच्चा खाना खा सकते हैं क्या? अगर मैं आपको कहूँगी टाइम नहीं था इसीलिए ऐसे ही दे दिया तो उससे काम बनेगा? नहीं बनेगा। तैयारी में भी वही है कि अधकच्चे खाने से, अधकच्चे तैयारी से आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं पर मेन सिलेक्शन तक थोड़ा मुश्किल होती है। मैम सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है मैम। मैम जब भी हम आपको देखते हैं मोबाइल पे या किसी भी साइट पे, तो मैम उस टाइम के लिए हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि मैम की स्माइल कितनी ज़्यादा प्यारी और इतनी पीसफुल है मैम, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैम हम लोग तैयारी पे आगे बढ़ते हैं और फिर हम डिमोटिवेट जाते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और हमें देख के सामने वाला भी निगेटिव फील करता है कि ये कैसे हैं, शांत रह रहे हैं, डिमोटिवेटेड हैं खुद। तो मैम आप ऐसा कैसा हम लोग करें कि हम भी खुशी से रहें? सर ने हमें बताया अभी कि अगर आप खुश रहोगे, मतलब अंदर से आप खुश रहोगे, शांत फील करोगे, तो ही आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो। और अगर आप डिमोटिवेटेड हो, खुद पे परेशान हो, तो आप और आपके सामने वाला भी, वो भी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। तो मैम ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे लेके आएँ? बहुत सारी परेशानियाँ मैम, किसी की पर्सनल परेशानी भी हो सकती है और काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं, सिलेक्शन ना होना, घर की परेशानियाँ मैम, तो इन परेशानियों के बाद भी आप बोलते हैं ना हायरार्की में सबसे ऊंचा बैठा इंसान और सबसे नीचे रहने वाला इंसान, दोनों ही परेशान है मैम, तो उसमें आप भी आ रहे हो, मैं भी आ रही हूँ, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो मैम कैसे मोटिवेट रहे? नहीं तो ये तो सत्य है, भगवान बुद्ध बहुत समय पहले कह गए कि एक ही सत्य है दुख, तो दुखी तो सब है ना, परेशान सभी हैं। तो अब ये देखना है कि उस दुख के बियॉन्ड हम जा सकते हैं या नहीं, है ना। दुख तो एक सत्य है जो सबके जीवन के साथ है, तो अगर अब हम उसी को बैठ के देखते रहें
तो वो बढ़ जाएगा, हम उसके आगे जा नहीं पाएंगे। अब है तो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या करना है। एक और बहुत अच्छे फिलोसोफर रहे हैं हसरल, उन्होंने एक फिलोसफी में बात करते हुए एक मेथड दिया है, फिनोमिनोलॉजिकल मेथड। तो वो कहते हैं उसको सस्पेंड कर दो, ब्रैकेट कर दो, मतलब उसे साइड में रख दो। अब जिस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते उसे क्या करना है, साइड में रखना है। अब आगे के विषय में सोचें जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल्स हैं, जिन पर हम बात कर सकते हैं, जिनके अंदर हम कुछ कर सकते हैं, उसके विषय में सोचना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर हम अपनी परेशानियाँ, चैलेंजेस, दुख, लिमिटेशंस और किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा समय अगर बिताने लगते हैं, उनको अपनी एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, तो समय के साथ वो एक्सक्यूज बन जाती है, वो हमारे लिए हमारे रुकावट का पत्थर बन जाती है। तो उनको पत्थर नहीं बनने देना, ठीक है, परेशानी है, सबके साथ है, किसी के साथ कैसे, किसी के साथ कैसे, तो उसको लिया, साइड में रख दिया और आगे का रास्ता बनाया। मेरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी जब क्लास में छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ती हूँ, थोड़ा खुद से थोड़ा नहीं, बहुत एम्बैरेस होती है मुझे। उस एज में स्टार्ट कर देना चाहिए, कुछ कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो गलतियाँ अपनों को पता, अपने को पता होता है, उन सबका चार्ट मिला कर। अभी अगर सोचने बैठती हूँ तो ऐसा लगता नहीं, मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए, बट अल्टीमेटली मुझे करना है। लेकिन फिर भी वो जो एक एज है वो सोनी नहीं। लेकिन सक्सेस की कोई एज नहीं है ना, तैयारी भी हो सकती है, तैयारी की हो सकती है, एग्जाम की एलिजिबिलिटी की हो सकती है, हर चीज के लिए हो सकती है, लेकिन आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं एज पे डिपेंड है, नहीं है ना। बहुत सारे लोग 20-21 साल में कंपनी खोलते हैं और बहुत फेमस कर देते हैं, लेकिन आपने KFC के बारे में सुना है, किस उम्र में उन्होंने स्टार्ट की थी, 70-60 की बात, 65 की बात तो पक्का है ना, उस उम्र में उन्होंने स्टार्ट करी और आज भी इतने फेमस चेन उनकी बनी हुई। तो सक्सेस का कोई उम्र नहीं है ना, आप आज कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए कितनी बड़ी सक्सेस है। बहुत सारी ऐसी भी गर्ल्स होंगी जो कोशिश करना चाहती होंगी लेकिन फिर भी वो कोशिश नहीं कर रही। आप उनसे सक्सेसफुल हैं कि नहीं, उनसे ज़्यादा, वो सिर्फ चाह रही है, आप कर रहे हैं। ये आप अपने साथ के बच्चों को देख के, छोटे बच्चों को देख के ये मत सोचिए कि ये आपसे आ गए भी। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आप अपने लिए सक्सेसफुल हैं, दूसरे से कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। और हमें, मैंने आपको बताया ना, समाज के लिए नहीं, हमें किसके लिए सक्सेसफुल होना है, पहले खुद के लिए। मोटिवेशन तो खुद के लिए आता है ना, कि भाई मैं एग्जाम दे रही हूँ, मुझे सक्सेस होना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सक्सेस होने के लिए सक्सेस होना है। तो आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी और से, अपने से ही है कि मैंने कोशिश करी, क्या मैं इस कोशिश में सफल रही, बस। लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो मैम, हम, मैं एज अ स्टूडेंट कैसे इसको ठीक कर सकती हूँ? इंटरेक्शन बढ़ा के, धीरे धीरे करके, देखिए जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करते जाइए उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन पावर इम्प्रूव होती जाएगी। ये अपने आप के अंदर फर्स्ट स्टेप है कि आप उसे इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और मुझे तो नहीं लग रहा कि आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है, आप इतनी भरी क्लास में खड़े हुए, आपने क्वेश्चन पूछा बिना अटके हुए, इतने फ्लुएंट तरीके से, इतने कॉन्फिडेंट तरीके से, मुझे तो लगता है आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है। मैम, वो मेरे टीचर्स की वजह से हुआ, स्कूल टीचर्स की वजह से है। हां, मैम स्कूल टीचर्स की वजह से, मैम स्टेज फियर नहीं है, बट एज अ लाइक नॉर्मल लाइफ में लोगों से कनेक्ट करने में मैम मुझे प्रॉब्लम जाती है। समय के साथ ठीक हो जाएगी, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपका, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। माय क्वेश्चन इज, व्हाट स्किल्स एंड क्वालिटीज आर एसेंशियल फॉर समवन हु वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर? हमने शायद ये डिस्कस कर लिया, तैयारी की जो क्वालिटीज हैं लगभग वही हैं। A person should be hardworking, person should be smart, person should have persistence, discipline, integrity. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनने की सोच रहे हैं
तो एक बेसिक इंटेग्रिटी अपने साथ जरूर रखें, एक बेसिक डिसिप्लिन अपने साथ जरूर रखें। यही सब क्वालिटीज हैं जो तैयारी के लिए भी जरूरी हैं और वही सिविल सर्वेंट बनने के लिए भी जरूरी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो अपन को अपने पढ़ाई के दौरान नहीं लानी चाहिए जिससे हमारी लक्ष्य हो। सबसे ज़्यादा तो अपने डिस्ट्रैक्शन से, सोशल मीडिया और उसके अलावा जब हम टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं गॉसिपिंग में, उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, है ना। एक इक्वानिमिटी की स्टेज होती है जिसे समता भाव कहते हैं, ना दुख में बहुत दुखी ना सुख में बहुत सुखी, एक बीच की जो स्टेज होती है ना वो योगी वाली, वही एक स्टूडेंट की स्टेज होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतने दुखी मत हो जाओ कि पता नहीं अगली बार एग्ज़ाम दूंगी या नहीं दूंगी, है ना। और अगर हल्का सा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो इतने खुश मत हो जाओ कि अब तो बन के कलेक्टर बन के निकलेंगे, है ना। तो अगले तैयार मेंस की तैयारी बाकी है अभी, तो वो वाला जो एक समता भाव है वो आपको आपकी सिलेक्शन में रखना चाहिए। और उसके अलावा देखिए, सिलेक्शन एक लंबी जर्नी है, उसके अंदर कई पड़ाव आएंगे और हर पड़ाव के लिए एक अलग आपको सीख मिलेगी, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए अलग। तो हर इस जर्नी के साथ सीखते चले जाइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है लगभग। मैम जनरली यूपीएससी सीएससी द ड्यूरेशन इज 12 to 15 months, बट द पार्लियामेंट जस्ट सजेस्टेड टू मिनिमाइज टू 6 months, सो विल यूपीएससी विल कंसीडर इट, एंड इफ यस व्हाट विल बी द चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न? वी विल टुगेदर आस्क यूपीएससी। मैम एंड सेकेंडली, आई एम इन माई लास्ट सेमेस्टर, जस्ट आई एम अबाउट टू कम्प्लीट माई ग्रेजुएशन, आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब एंड आई डिडंट टेक इट, so according to me it was right, but was it a practical decision? I told you no decision is good or bad, it depends on your personal conditions. Agar aapke parents, aap, aapki family support kar sakte hain ki aap job na kare aur fir bhi taiyari kar sake, bilkul aap zyada devoted hoke taiyari kare. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा, मुझे फैमिली के हिसाब से भी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा अगर मैं नौकरी करते करते तैयारी करूँ, एब्सोल्युटली गुड फॉर यू। सो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कंडीशन, योर ओन यू नो आपके आसपास क्या स्थिति है, बिकॉज वी हैव टू सी आर सर्कमस्टांसेस। आपके सर्कमस्टांसेस आपके बगल में बैठे बच्चे के साथ भी नहीं मिलते, है ना। आपकी स्थिति अलग है, आपका कैलिबर अलग है, आपका मोटिवेशन अलग है, आपका तैयारी की पूरी दिशा अलग हो सकती है। तो इसीलिए किसी के साथ हम किसी डिसीजन को सही या गलत सिर्फ इस बात पे नहीं कह सकते कि नौकरी छोड़ दी तो गलत किया या कर ली तो गलत किया, है ना। तो इट विल हैव टू बी योर डिसीजन, एंड ट्रस्ट मी इफ यू गेट सक्सेसफुल देन पीपल विल से नौकरी छोड़ना तो बहुत अच्छा डिसीजन था, पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। And if something goes wrong, people will say, बड़े आए थे नौकरी छोड़ने वाले, over smart, है ना। तो ये दुविधा हमेशा रहेगी, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको तैयारी के लिए नौकरी छोड़नी चाहिए थी तो अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं। Ma'am, I left the job and my family don't want ki I should do a job and they want you to prepare. Yeah, ma'am. Prepare with full zeal, no problem. Ma'am, last question, you mentioned about that Tatha Astu. Ma'am, the minimum criteria for the UPSC is that the degree we have availed should be recognized by the UGC. Yes. So the courses will be offered will be recognized by the UGC. Yes, they are UGC recognized. Thank you, ma'am. Ma'am, मैंने engineering किया English से, और ma'am 12 तक मेरा हिंदी medium से था, और ma'am sir से question है last second question कि sir technical background से थे but ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं जैसे। अच्छा, तो आप सर से पूछना चाहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मैं मतलब सेकंड क्वेश्चन सर से, नहीं हम मिलके दे देंगे, ठीक है ठीक है, वी विल डिकोड इट। कि आपने 12th तक हिंदी से पढ़ाई करी है और इंजीनियरिंग आपने इंग्लिश मीडियम से करी है, आप मुझे लगता है कि 1-2000 words का एक ऐसे लिख के देंगे कि आप हिंदी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से लिख पा रहे हैं बिना गलतियों के लिख पा रहे हैं या इंग्लिश में? तो जहाँ आप बेहतर लिख रहे हैं वही आपका मीडियम है। मैम एक्चुअली जो रिजल्ट आता है तो उसको देख के मैम मतलब इनसिक्योरिटी आ जाती है कि इंग्लिश मीडियम वालों को अच्छा जाता है और जो हिंदी मीडियम वो थोड़ा इनसिक्योर होने लगता है।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बात इस बात की कि क्या आप किसी भी लैंग्वेज में उतनी क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो मीडियम उतनी बड़ी रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको इंग्लिश मीडियम में देकर एग्ज़ाम ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा तो आप इंग्लिश में दीजिए, थोड़ी मेहनत और लगेगी। देखिए अल्टीमेटली आपके मन में संतुष्टि आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अगर वो डॉक्टर के बारे में कहते हैं ना कि अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए लेकिन अगर आपको डॉक्टर के ऊपर बार बार शक हो रहा है, उसने बिल्कुल सही दवाई दी, सेम दवाई दी, लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं इसको समझ आया नहीं आया मेरी कौन क्या बीमारी थी, इसने कौन सी दवाई दे दी, डॉक्टर ऐसा है तो उसकी दवाई लगती नहीं है। तो उसी तरह से अगर आपको बार बार अगर ऐसा लग रहा है कि भाई हिंदी मीडियम ले लिया तो पता नहीं मैं सेलेक्ट होऊंगा, तो कंटेंट से दिमाग हट गया, आपकी मेहनत से दिमाग हट गया, सारा ध्यान कहाँ गया, मीडियम पे। तो अगर आप अपने मन की इस इनसिक्योरिटी को हटा सकते हैं तो जो भाषा में आप ज़्यादा फ्लुएंट हैं वो लें, और नहीं तो इसके विचार में विशेष छोड़ के, मतलब कन्फ्यूजन छोड़ के इंग्लिश लें और मेहनत करें। यस सर, जैसे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है सर, तो सर मेरे को टेक्निकल में मेरा जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन अच्छा है सर, और जैसे नॉन टेक में सर मेरे को सोशियोलॉजी अच्छा लगता है सर, तो मैं ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो आपने जैसे किया ड्यूरिंग प्रिपरेशन सर, आपने कैसे किया ये मेरे को नहीं समझ में आता। मैं भी टेक्निकली साउंड था, गेट दो बार ही निकला था, 30% भी आ गया था, लेकिन आई फाउंड कि मेरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स था तो इलेक्ट्रिकल में चार एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपका तो डायरेक्ट ऑप्शनल है अवेलेबल, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और टेक्निकली नंबर अच्छे आ जाते हैं साइंस सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ्स में 285-300 तक आ जाते हैं, इसी तरीके से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में जो बच्चे अच्छे होते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी अच्छी होती है, उन लोगों के आ जाते हैं नंबर, लेकिन उसका कहीं से भी कोई कनेक्ट आपको अपने जीएस में नहीं मिलता, तो ये फैक्टर था मेरा ना लेने का बस, अदरवाइज ले सकते थे और बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, और उसमें मार्किंग भी ठीक रहती है, मतलब क्योंकि न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो उसमें अगर स्टेप वाइज मार्किंग है तो ओवरऑल अच्छा है। मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं नॉन टेक ऑप्शनल लूँ या टेक्निकल, क्योंकि मुझे सोशियोलॉजी भी अच्छा लगता है और वो मशीन भी। आप जो टी शर्ट पहने हैं ये अपनी पसंद से दिए थे, जैसे इतना छोटा डिसीजन ले लिए हो तो इतना बड़ा किसी और के ऊपर मत डालो। लाइफ में कुछ डिसीजन जरूर खुद ही लेना, अदरवाइज कभी भी ओनर अपनी जिंदगी अपनी नहीं लगेगी, ये कहानी है इसको खुद ही लिखना है। बिगिनर्स के लिए व्हाट इज बेसिक डिमांड्स यूपीएससी की, और बिगिनर्स के लिए? यस मैम, बिगनर्स के लिए प्रैक्टिस, देखिए यूपीएससी का या पीसीएस का एक फ्रेम है ना, वो ये मानते हैं, चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए जिसको वो ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट कर रहे हैं उनको एक बेसिक जानकारी हो कि हिस्ट्री क्या थी हमारी, क्या धरोहर रही है, जिसे कहा जाता है ना द पर्सन हु नेवर लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट इट। तो हम बार बार वही गलतियाँ ना दोहराएं, तो इसीलिए एक ऑफिसर को हिस्ट्री पता होनी ज़रूरी है उस लेवल की जहाँ से वो उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। उसी तरह से इकोनॉमी के विषय में पता होना चाहिए, पॉलिटी के विषय में पता होना चाहिए, कल को उसको अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को सजेस्ट करना है, एडवाइस करना है, तो अगर उन्हीं को रूल्स नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, इंटरप्रिटेशंस नहीं पता, तो वो कैसे बताएंगे। तो ये बेसिक जो आपकी अवेयरनेस है रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, रिगार्डिंग द करियर यू वॉन्ट टू परस्यू, वही यूपीएससी या पीसीएस जो होते हैं वो जज करते हैं। उसके लिए बिगिनर के लिए क्या करना है, बिगिनर को अपने आप को एक 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 करके इस पूरे फ्रेम में फिट करना है। अभी फिट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो उस फ्रेम में फिट हो जाएंगे, फिट होते ही सिलेक्शन भी हो जाएंगे। मैम एटमॉस्फेयर क्या मैटर करता है? मैम कहते हैं कि लोग मुखर्जी नगर जाके ही प्रिपरेशन की जा सकती है, सेल्फ प्रिपरेशन नहीं की जा सकती है, तो एटमॉस्फेयर क्या मैटर करता है? लॉट ऑफ कोचिंग्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में, दिया जलता है ना, तो दिए में फ्यूल होता है, या तो तेल होगा या घी होगा, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट वो भी है कि उसके आसपास वो ढका हुआ हो जिससे हवा से ना उड़ जाए, बुझ ना जाए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इंटरनल मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, माहौल भी इम्पोर्टेंट है, इक्वली आई थिंक सफिशिएंट। हाँ मटीरियल तो आई थिंक मैम ने बताया ना, फ्लडेड है मार्केट,
मैंने अभी बताया टेलीग्राम पे आप जाइए, आई थिंक फ्री में दसियों टाइप के नोट्स मिल जाएंगे आपको। मार्केट मटेरियल की चिंता नहीं है, समस्या है कि क्या छोड़ें, अब तो वो समस्या है, क्या पढ़े नहीं है, क्या छोड़ें। ऑनलाइन ऑनलाइन सर्च करने, किसी टॉपिक को ऑनलाइन सर्च करने के चक्कर में थोड़े टाइम में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में जाके लॉट ऑफ टाइम वेस्ट कर देते हैं मैम इस चक्कर में। तो इसीलिए तो एक टीचर मेंटर की ज़रूरत होती है, वरना तो देखिए आजकल मतलब मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता है, बच्चा आके कहता है कि मैम मैं घर में बैठकर तैयारी करना चाहता हूँ, कर सकता है, इतना सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में आजकल। आप यूट्यूब खोलें, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, है ना। बट ये डिस्ट्रैक्शन भी है, तो या तो अपने अंदर की आग को, मोटिवेशन को इतना स्ट्रांग रखिए कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करूँगा, और अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे माहौल ज़रूरी है तो मुखर्जी नगर जाना भी कोई बुराई की बात नहीं है, राजेंद्र नगर आना भी कोई बुराई की बात नहीं है, है ना। वहाँ पर भी माहौल मिलता है, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, एक नए शहर में जाके पढ़ाई करना, उन सब लोगों के बीच में रहना जो कि खाना भूल जाते हैं पढ़ते वक्त, तो वो भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। अगेन जैसी आपकी स्थिति, अगर आपकी स्थिति अलाउ करती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि नहीं घर पे रह के ऑनलाइन ही हम तैयारी कर सकते हैं तो ऑनलाइन कीजिए। यू मस्ट बी फीलिंग सम एनर्जी टुडे, राइट। जैसा अश्विनी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि धमनियों में रक्त की जगह मोटिवेशन बह रहा है, राइट। सो दिस इज योर एनर्जी। आज मैम ने हमको बहुत कुछ बताया, मैं सर ने हमको बहुत कुछ बताया, उस एनर्जी को पकड़ लो एंड कन्वर्ट इट, दैट्स इट, लाइक सिंपल, स्टैटिक टू काइनेटिक, वेरी सिंपल। स्थैतिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर दो, गतिज ऊर्जा में। एंड स्थैतिक क्या है जो अभी हम फील कर रहे हैं, गतिज क्या है या काइनेटिक क्या है जो आपका एग्जाम है, वेरी सिंपल। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू मैम एंड सर। मुझे पता है मैम का शेड्यूल्स फिलहाल कुछ ज़्यादा ही बिजी है, इनफैक्ट इतना बिजी है कि आपको मैं इतना बताऊं, मैम का लगभग मैम को सेमिनार देना था, आई गेस चार जगह आपके सेमिनार भी कैंसिल हो गए हैं बिकॉज ऑफ दैट बिजी शेड्यूल। उसके बाद भी आपने हम लोगों को समय दिया है, इसके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू।